अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन साल 2020 के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूं। कृपया करके मैक्सिमम लोग इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि जेएनयू के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो साल 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजी के कोर्सेज के लिए हो या फिर पीजी के कोर्सेज के लिए हो, इवन एमफिल पीएचडी के लिए हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सबको ये सूचित कर रहा हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है, उसने इसके एप्लीकेशन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। तो अभी तक जिन लोगों ने किसी भी कारणवश आवेदन पूरा नहीं किया है, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं किया है, तो जरूर वो किसी भी कीमत पर जाकर के साइबर कैफे में या घर बैठ करके अपना एप्लीकेशन को पूरा कर लें और उसे फाइनली सबमिट कर दें। ये बहुत अच्छा मौका है और ये तीसरी बार जेएनयू ने अपने एप्लीकेशन की तिथि को बढ़ाया है। ये सब सोचते हुए कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, सारे साइबर कैफेज खुले नहीं हैं, तो वहां पर बिना गए मैक्सिमम विद्यार्थी आवेदन कैसे करेंगे। तो सब कुछ देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये फैसला लिया है। आपको हम ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से लिया गया नोटिस है, एक पीडीएफ है डाउनलोड किया हुआ। यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन रिवीजन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अंतर्गत इग्नू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एमबीए के लिए, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जेएनयू का। आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो जेएनयू के जितने भी आवेदक हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सब के सब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जरूर पूरा कर ले। देखिए, पहले 31 मई इसकी अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 15 जून कर दिया गया है जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यही है और यहां पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं और फिल द एप्लीकेशन फॉर्म जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 यहां लिखा हुआ है इस कुछ रेड जैसे कलर में, इस जगह पर क्लिक करने के बाद आप आवेदन पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा जेएनयू के बारे में बता देता हूं कि यहां पर यूजी के जितने भी कोर्सेस हैं वो सब के सब सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में है। बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज 10 भाषाओं में जेएनयू आपको बीए ऑनर्स की डिग्री देता है। बाकी यहां बीएससी नहीं है, बीकॉम नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब दूसरे कोर्सेस है ही नहीं ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हर क्षेत्र में यहां पर पढ़ाई होती है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो और इवन एमफिल पीएचडी की भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जेएनयू रिसर्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और दिल्ली के खूबसूरत वादियों में बसा इतना बढ़िया कैंपस है यहां पर, बहुत हरा भरा कि दिल्ली जैसे जगह में उतना बड़ा कैंपस और उतना सुंदर कैंपस सही में किसी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री का सपना था और उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाने में, तो बहुत ही बढ़िया है। एनआईआरएफ के रैंकिंग के हिसाब से जेएनयू ने पिछले साल 2019 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था पूरे हिंदुस्तान में और बीएचयू तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी थी। जो पहले नंबर की यूनिवर्सिटी थी वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वाकई अगर आप वहां पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है और हर साल वहां से इवन सिविल सर्विसेज में काफी लोग सेलेक्ट भी होते हैं, ठीक ठाक संख्या में सेलेक्ट होते हैं। लाइब्रेरी जो वहां पर है उसका नाम धौलपुर हाउस रख दिया गया है, धौलपुर हाउस जो कि यूपीएससी का वो है और उसी लिए उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रख दिया है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ाई करते हैं बैठ करके। तो ये तो चलो बातें थी एक तरीके से शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेएनयू से संबंधित सारे वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, उस लिंक में क्लिक करते ही सीधा देख पाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेस हैं, एकदम एक एक करके पीजी के, यूजी के तो मैंने आपको बता दिया, यूजी में भी कौन कौन से लैंग्वेज के कोर्सेस हैं ये भी जानने को मिलेंगे और उसके अलावा तमाम फैसिलिटीज
और भी चीजें क्या क्या हैं, सब कुछ आपको समझने को मिल जाएगा। कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तभी मेरे बनाने का मकसद पूरा होगा। और अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज।